नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल रोहित स्पीक्स पर। और आज मैं ये वीडियो, जैसे मैंने कहा था, हार्ट हेल्थ, ये साउथ एशियन पॉपुलेशन में ज़्यादा हो रहा है, और ये हार्ट इश्यूज क्यों ज़्यादा है हमारे कंट्री में, हमारे पॉपुलेशन में, और इसका कई चार मेजर कारण हैं, पर उसी के बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी देना चाहता था। तो साउथ एशियन अगर आप देखेंगे तो 2015 से बहुत सारा ऐसा रिसर्च हुआ है जिसमें साउथ एशियन पॉपुलेशन में हार्ट डिसीजेस का फैक्टर ज्यादा हो रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है, और उसका कारण मोस्टली, तो पहले मैं बताऊँ, साउथ एशियन पॉपुलेशन वो उनको कंसिडर करके जो इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में रहते हैं, जो आपके जैसे दिखते हैं, और ये जो पॉपुलेशन है इनका इकोनॉमिक स्टाइल, ईटिंग हैबिट्स और लिविंग हैबिट्स और स्ट्रेस लेवल और इकोनॉमिक कंडीशंस ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। कोई कंट्री अपना कंट्री जैसे थोड़ा ज़्यादा है पैसों में, पर बाकी सब रहने का और खाने का ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में हार्ट डिसीज ज़्यादा है। आप सुनते होंगे कि अरे ये तो 40 साल का बंदा था, इसको अचानक से आ गया, ये मर गया। इसका रीज़न है, इसका का रीज़न है, और उसका मैं रीज़न अगर मैं बताऊं तो वो है चार। जेनेटिक्स है, डाइट है, लेस एक्सरसाइज और स्ट्रेस। जो जेनेटिक्स है, जो आपके जीन्स है, जो आपके जो जीन है जो आपके प्रोटीन बनाते हैं, आपके मसल, हार्ट मसल को बनाने में, उसमें काफ़ी है जिसमें म्यूटेशन ज़्यादा है, तो वो एक मेन रीज़न है। आपके सब में कुछ ना कुछ एक कॉपी खराब, तो जीन्स जो होते हैं वो दो कॉपी होती है आपके, इसमें एक कॉपी खराब होगी तो भी आपका काम हो जाता है, दो कॉपी खराब होगी तो प्रॉब्लम होता है आदमी के, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, ये सब होता है। तो ज्यादा करके पॉपुलेशन में एक कॉपी खराब है, पर फिर भी उनका काम चल रहा है, पर जेनेटिक्स हमारा इश्यू है। अगर आप एक पुराना स्टडी उठाएंगे तो हमारे पास स्टेम सेल भी कम है, जो एक्चुअली ब्लड वेसल्स, नए 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 ब्लड वेसल्स बनाने वाले स्टेम सेल्स, अगर आप कॉकेशियन, जो सफेद, जो अमेरिकन्स, यूरोपियंस, इनके पॉपुलेशन में देखेंगे तो उनके पास स्टेम सेल्स ज़्यादा है ब्लड वेसल्स बनाने में, हमारे पास कम है। और हमारे पास और भी चीज़ें हैं जो उनके अलावा कम होती हैं, तो उसका मेन तो ये है कि आपके बनी नहीं रहे वो चीज़ें। उसका कारण है कि जो एटमॉस्फेयर है, जो आप डाइट है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो पब्लिक के, उसके वजह से पब्लिक का खाने का जो कंजम्पशन है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक लहर चली थी जब डालडा घी बहुत यूज होता था, तो डालडा घी जो था वो इतना हाई है सैचुरेटेड फैट में, वो उसने मेरे हिसाब से 70, 80 और 90 के दशक में जो लोगों को अफेक्ट किया है वो अभी तक चल रहा है। प्रॉब्लम है इसको एपिजेनेटिक्स बोलते हैं, जो आप इतना उसको कंज्यूम कर लेंगे कि आपका बॉडी उसको पकड़ के रखता है, तो उससे जो इफेक्ट है वो रिवर्स होने में टाइम लगता है। तो पब्लिक ये सब चीजें पे ध्यान, जो चीजें सस्ती है खा लेती है, पर उसको समझ में नहीं आता कि खा क्या रहे हैं, इसका ज्ञान होना जरूरी है। दूसरा है, अभी इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के पास उतने पैसे होते नहीं है जो बाकी ये अमेरिकन, यूरोपियन में होगा, तो आप अपने बजट के हिसाब से खाना खाते हैं, तो आप कभी बाहर जाके भी थोड़े में खाना है तो आप, कोई कोई पॉपुलेशन उतने सुदृढ़ नहीं है पैसों से, तो वो अपना बाहर जाके खा रहे हैं। अब समझ लीजिए आपने कुछ स्नैक खा लिया, आपको पता नहीं है ये ऑयल कितनी बार रीयूज हुआ है, ये कहने को है, पर समझना बड़ा है, समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ऑयल को आप रीयूज करते हैं बार 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 बार, तो उसमें सैचुरेटेड फैट बढ़ने लगता है, उससे वही वो है आपके आर्टरी को क्लॉक करता है। तो जिनके पास पैसे नहीं वो तो खा लिए उन्होंने सस्ता खाना, पर उतना ही उतना गलत गलत तेल भी खा लिया, ओवर द ईयर सालों साल वही कर रहे हैं, और फिर अचानक से उनके इसमें हर एक जगह पे क्लॉट बन रहा है, प्लाक बन रहा है। तो आप सुनते होंगे कि लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास में अचानक से इनके डैड को स्ट्रोक आ गया, कुछ नहीं हो रहा है पर अचानक से स्ट्रोक आया, क्योंकि उन्होंने उतना, उनका एजेस से वो गलत वाला तेल खाए जा रहे उसके बाद वो बनता है। तो ये सब का ज्ञान होना जरूरी है। उसके बाद आ गया, यहाँ पे पैसे कमाने की इतनी रहती है कि एक्सरसाइज पे किसी को कोई ध्यान नहीं है, एक्सरसाइज करने के नाम पे थोड़ा सा वॉक पे चले गए, पर अगर एक्सरसाइज करना है, अगर आपके हार्ट को हेल्थी रखना है, तो आपके ब्लड को पंप करना है, उसके लिए आप थोड़ा हल्का सा जॉग करें, ऐसे नहीं कि हल्का चला, आपके हाफ ने चाहिए, आपका ब्लड पंप होना चाहिए, आपका हार्ट रेट थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, तब जाके आपका एक्सरसाइज सक्सेसफुल होगा। जैसे मतलब ये
जो पॉपुलेशन है इसके, इसमें स्ट्रेस ज्यादा है क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन उतना सही है, तो पब्लिक सर्वाइवल के लिए इतना काम करती है कि स्ट्रेस भी उतना ही बढ़ते जाता है। तो ये चारों फैक्टर कंबाइन होके हमारे पॉपुलेशन में हार्ट डिजीज का इश्यू बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया हुआ है जो एक नॉर्मल साउथ एशियन पॉपुलेशन आदमी का लगता है, जिनका पेट आ गया है, उसके इसमें दो फैट है। एक तो आपके चर्बी है जो आपके स्किन में है, स्किन के भीतर है। एक है चर्बी जो आपके ऑर्गन्स को कवर करती है, वो फैट बहुत ही खतरनाक है, वो फैट निकालना है। अगर आप फैट लूज पे जाएंगे तो पहले यही निकलता है, ऑर्गन के जो सराउंडिंग में फैट रहता है उसको विसरल फैट बोलते हैं, पर उसको निकालना जरूरी है। और ये अगर आप इस स्टेज पे आ गए, मतलब आपके ऑर्गन्स के आजू बाजू फैट आ चुका है, तो उसे आपको निकालना है, आपको फैट लॉस पे जाना है। आपको अपने डैड, अगर आपको अपना ध्यान रखना है, आपके आगे वाले परिवारों का ध्यान रखना है, तो आपको अपना ध्यान पहले रखना पड़ेगा। इस पे आपको ध्यान रखें, डॉक्टर से मिले, अपने लिए एक एक्सरसाइज रेजिम करिए, डाइट पे रखिए। और डाइट ये बोल रहा हूँ, डाइट तो बहुत लोग गलत ही ले लेते हैं। डाइट मतलब ये नहीं है कि हर चीज छोड़ दो एक साथ, एक तरीके से खाओ उसको। अब 7 दिन में 5 दिन बैलेंस डाइट करो, 1 दिन आपने खा लिया थोड़ा इधर उधर, ठीक है, पर फिर से वापस नॉर्मल। 1 दिन में मतलब पूरा दिन ऐसा कचरा नहीं, एक टाइम पे खा लिया, बाकी वापस से नॉर्मल पे आइए। तो डाइट एक्सरसाइज ये होना चाहिए, और अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। और दूसरा मैं बोलूंगा, एंजियोग्राम करवाइए अगर आप 40 साल के ऊपर हैं, क्योंकि अगर आपके इसमें प्लाक है तो पहले पकड़ा जाए तो आगे हार्ट फेलियर और हार्ट डिसीज का इश्यू नहीं होगा। यहाँ मैं एक एंजियोग्राम दिखा रहा हूँ जिनके पेशेंट थे जिनके ब्लॉकेज यहाँ पे है, उसके बाद वहां पे एंजियोग्राफी किया, बलून डाला, स्टेंट मतलब एक वायर, वायर जैसा मेश होता है, उसको यहाँ से लेके जाते हैं, कॉरोनरी यहाँ से डालते हैं, और फिर जाके यहाँ पे बलून को पॉप, ऐसा बलून को फुगाते हैं, उसके बाद बलून निकाल लेते हैं, और वो वायर, बलून वायर के साथ उस यहाँ पे वायर को अटका के बलून बाहर निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक ब्लॉकेज फिर क्लियर हो गया है पोस्ट स्टेंट। तो एंजियोग्राम भी करवाएं अपना 40 साल के बाद, तो आपको आइडिया हो प्लाक से, क्योंकि आप हमारे पॉपुलेशन में ये सब ज्यादा है 40 साल के बाद। ये मैं तो सलाह दूंगा सबको कि आप करें, अपना एंजियोग्राम कराएं, एक्सरसाइज का पे ध्यान दें, और बैलेंस्ड खाना खाएं, आप नॉर्मल रहेंगे। बस इतना ही मैं ये वीडियो से बताना चाहता था। इसके अलावा मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय।